धीरे धीरे समय जो चक्र चलतो रहो। अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सो बीरमदेव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया। माता मैणा देरो लाड, माता मैणा देरो स्नेह मिल रियो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो। दर्जी बड़ो लालची हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूत रो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है। कोई महंगो कपड़ो कोई बरी ले जा दे तो वो बरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बना दे देवे। गांवरे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान। आज चटने करूं रे सवारी, माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां, मन घोड़ लियो मंगवाए। अजमल गर्वतार की अपनी मां मैणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो। मां मैणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो। रूपो दर्जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो। रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़त ले आयो, झूठ बोलियो, कर री चोरी, टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लून बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो।
तो वापस लक्की बनजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई, और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्यावरी कामना करे, माता मैणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्यावरी बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा देव जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बे माता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अठी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडारे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, मोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो ढागरे ने कनिया जन्मी है, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता। दल जी के दो पुत्र भये कन्या एक सुजा, अवतार सूजर लिखो विदाता। प्राणपति अर्जी सुनो, नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है, रामदेव जी बारे साथ में तो मारो बहु बहु रो रिश्तो है, बहु बहु रो संबंध है, और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो बेटी रे मन की बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी, बोले रोनीचा गांवरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारेल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोनीचे आ गया, जार माता मैणा देव जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो लेर आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयो रे नालेर रो अनादर नहीं करनो, बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं, और 1,25,000 री मोहरा दे और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली, रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा खे, मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि
गावरे बार पधारो बटेकटी आपरे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे। जार मैणा देव जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोगरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तुम्हार वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कहीं बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तो माता मैणा देरे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा हमारी सुगना क्यों नहीं लाचा तो आई बेटा हमारी सुगना क्यों नहीं आई। अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई लाखा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई मारी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा रुणी चिरा राजा ने लो सांगलो जियो खम्मा 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 रे कवरे अजी धरती है प्रभु भगत बसल मरुधर भूमि आवे देवता इन धरती पे अवतार लियो है द्वारकाधीश भगवान धरती है प्रभु भगत बसल भगवान की।
मल जीरी भक्ति जागी, सूती सुरत भजन में लागी। अजमल जीरी भक्ति जागी, सूती सुरत भजन में लागी। नाथ महाराज ने वचन रहे अनुसार भगवान स्वयं पधार्या तो लिखा है, छायो घोर अंधारो दुखी हुआ है मानवी, छायो घोर अंधारो दुखी हुआ है मानवी। मित्रों, जिस ताकत के साथ में हम गा रहे हैं उस ताकत से आपकी तालियां मिल जाएगी तो आपकी तालियों से हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपके भाग्य का बैलेंस बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, हमारा ये मानना है। आधरती है प्रभु भगत वसल भगवान, भगत उबारे नाम त्रिपाला।
मीनों की तरफ तुरंत बैठना है। आपको सबको बाबा की कसम देता हूँ, फटाफट से बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।